अभी जैन एक्टिंग करने गया है कि वो बाहर गया कुछ लेने, बट आई नो दैट ही हैज अ सरप्राइज। सारा असली माल उसी में चिपका था कि फेंक दिया। तुम्हें गलती लगाई किसने? मैंने खुद ने। मैंने मोटिवेट करा उसको? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, खरीदी तो मैंने। ऐसे नहीं रखना होता है, ऐसे रखना होता इसे। हैप्पी एनिवर्सरी ज़ैन एंड टू मेनी मोर फाइट्स टुगेदर, एडवेंचर, लव, गुड हेल्थ, 1 मिलियन प्लस ऑन यूट्यूब। कुछ ज्यादा नहीं हुई मैम? 1 मिलियन ऑन माई चैनल, ऑन योर्स। हाय ज़ैन, ऐसे तो नहीं बोलते, कम से कम आज के दिन तो ऐसे नहीं बोलते। कौन से दिन बोले ऐसे? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। सो टुडे इज 25th ऑफ सितंबर, वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर अस, इट्स आवर एनिवर्सरी। मैंने तो आज ली है छुट्टी बिकॉज आई वॉन्टेड टू रियली टेक अ ब्रेक एंड स्पेंड सम टाइम विद ज़ैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ैन इज वर्किंग टुडे एज वेल। आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग किया नहीं बिकॉज I just wanted to take a little break from it and just spend time without having the camera record things. But don't worry, उम्मीद है कि आज शाम के जो हमारे plans हैं उसमें आप लोग भी शामिल होंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पांच मिनट मेरी कॉल है। आज छुट्टी नहीं ले सकते थे जैन? मैं तो छुट्टी ली है। काम काम है भाई। हाँ? काम है तो काम है। तुमने आज मुझे एक बार भी नहीं बोला क्या? हैप्पी एनिवर्सरी? हाँ। अरे दूसरे लोग बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। कैसी लग रही है मेरी नई घड़ी ज़ैन? भाई तुम्हारी ज्यादा बेटर लग रही है। भाई हम कितने बजे निकलेंगे ज़ैन? कॉल ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हाँ। उसके बाद निकल जाएंगे। मैं तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे। क्या पहनना मुझे? जीन्स और शर्ट। अच्छा ठीक है। What do you have to say about my outfit? What do you think? अच्छी है। This blouse is my old blouse, which has gone very well. Welcome to my channel. The call is finally over and अब हम जा रहे हैं। So like I said initially, it's a very very busy day for Zen today as well. It was not a busy day, mild day नहीं था, पर हाँ towards the evening भी busy हो गया। एकदम सडनली बिजी हो गया ना। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं ज़ैन? पै तेरी है, इसको वो बाल ले जाऊँ। बोलो। हम जा रहे हैं गाइस सुशी खाने। सुशी खाने। इससे पहले हमारी 2 एनिवर्सरीज हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और पहली एनिवर्सरी में हम बड़े 5-स्टार होटल गए थे। पिछली एनिवर्सरी पे हम लोग थाईलैंड में थे। इस एनिवर्सरी पे हम लोग तंगी में। सुशी इज हर न्यू फेवरेट ऑब्सेशन। Yours as well. मुझे तो इतना इसका obsession मैं guys आपको बताती हूँ इतना है कि रात के 10:30 बजे he decided to have sushi, तो उसके लिए सारी arrangements वगैरह करते कराते हम 10:30 बजे हमने खाना खाया। तुम सिग्नल मत दिखाओ आज के दिन तो बिल्कुल भी मत करो। कि 8:15 बजे हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे और पता करो घर में क्या बना। सुनने में घर में आलू मटर घर में आलू मटर बनता है। सुशी खाने के लिए सामान था नहीं। नोरी शीट इन टू बी प्रिसाइज इट्स नॉट देयर। अब वो लाने के लिए हम लोग को जाना पड़ा भाई साहब। और मतलब यकीन मानो यकीन, एक दुकान है यहाँ पर, वो दुकान बंद हो गई थी।
बंद दुकान को हाथ पैर जोड़ के खुलवाई है, नोरी शीट्स लेकर आए हैं कोरियन स्टोर से, और बेहतरीन हमने घर में सुशी बना के खाई है जो हमारे ने हमारे जो कुक साहब है उन्होंने बना के हमको खिलाई। पहुंच गए फाइनली 1.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद, बिकॉज सबसे ट्रैफिक टाइम पे निकले थे हम लोग। बट अब मैं तुमसे बताता हूँ हम कहाँ खा रहे हैं। We are going to this place called Papaya. हाँ, वहाँ क्या मिलता है? पपीता। फिर ये लोग जो जो होटल होटल के नाम रखते हैं क्या सोच के रखते हैं? मतलब चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम पपाया क्यों है? It has to sound unique. लियो ये देखो, लौंडे लोग मॉल में आके गोलगप्पे खा रहे हैं। मेरी एक थ्योरी है कि जैसे जैसे इंसान के पास पैसा बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका दिमाग घटता रहता है कि नहीं? मतलब भाई यहाँ आके लोग 500 रुपए दे के गोलगप्पे खा रहे हैं, 5-10 लोग मॉल जाते हैं गली का एक्सपीरियंस लेने के लिए। भाई ऐसा लग रहा है तुम्हें सफेद साड़ी पे किसी ने उजाला डाल दिया। ये कलर वैसे ही है ना, उजाला कलर। स्कूल में कुछ बच्चे आते हैं ना ऐसे शर्ट पहन कर, है ना, उजाला। यार मेरी फोटो खींचो यार यहाँ कर आकर। या दिस कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, दैट्स जडेजा, That's Hardik Pandya, Virat Kohli, Shubman Gill. Give me 10,000 rupees now. Chal. So that's the place we're going to be eating at. Papaya. So Zen, what? Zen? I knew that was coming. What all have you ordered? I ordered a bunch of sushis. I ordered some dim sums. I've ordered, that's sushis and dim sums. And these sushis are not just like little sushis, they're lots of them, right? How have your 3 years been? ये सवाल लो फिर उसी, इस सवाल के जवाब तुम सुन नहीं सकती हो। बोलो। सही रहा, बढ़िया रहा। ऐसे में कोई कैमरा के सामने रख के पूछो कोई बताएगा सच? कोई बताएगा? ऐसा नहीं। सही रहा, गुड फन गाइस। तुम्हारे कैसे रहे 3 साल? अरे बार बार हाथ कंगन को आरसी क्या देख रही हो? हाथ कंगन मेरे तो बहुत अच्छे रहे 3 साल। Mine were also good. There were ups and downs. Ups and downs in terms of how life is, right? तो कभी भी life एकदम smooth तो नहीं होती है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। एक दूसरे को हम और जाने, we also fought more. हम लोग का पेशेंस लेवल चेंज हो गया, वी चेंज एज पीपल ऑल्सो इन दीज 3 ईयर्स। तो मेरा बहुत ही डिटेल आंसर है, इसलिए मुझे 6 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मुझे 5.5 आ जाते हैं। तुम्हें कितने आते हैं? 3 आते हैं। व्हाट्स योर विश फॉर द कमिंग ईयर? फाइट अ लिटिल लेस। या कॉपी दैट। Our differences that can sometimes be extreme come thoda sa close to each other, and that we continue to travel the world and beyond also. It's yum, but also super messy. There's a spicy avocado roll. Easy on the wasabi. Verdict? Yeah? How much have you ordered there? तो वो है बिना दिन होली रोम और बोलू मेन कोर्स में।
for anything else. I thought I'll have some dessert, but I guess there's no room. What about you? Some room for dessert? I also have room for dessert, but we have dessert at home. Hmm. इसकी दूसरी दुकान खुलेगी उसका क्या नाम होगा? I don't know. वस्ता भैया यार. तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जीरो है, जीरो. और इसका? हैं? किस? And ten. तो मुझे आज बहुत मजा आया. I was perhaps the only one who's wearing a sari. Sari. What do you think? Yeah, I think you're the only one wearing a sari. Sari. Yeah. But the sari is very very nice, Zen. So thank you so much for your gift. बताओ तो कहाँ से लिए तुमने सारे? दुकान. Outfit cut से तो बता था. नहीं मुझे जब वो ब्रांड पैसे देगा तब बोलूँगी. Look at this. भाई बहुत नींद बहुत आ रही है आजकल. हमेशा ही नहीं है. बोलो अपना famous dialogue बोलो Zen. क्या? हफ्ता भर से सोए नहीं. अच्छा अच्छा देखो. पहले तीन था फिर चार दिन हो गया. अब हफ्ता भर हो गया ना. अगले हफ्ते जब ब्लॉग आएगा उसमें बोलेगा एक महीने से सोया नहीं. ज़ेन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे गाइस घर. वी गोइंग होम. आप तो भाई सब फालतू की वो करने लगी हो ना. आप मुझे यकीन है तो अच्छी ब्लॉगर होंगी. थैंक्स.